मैं कुशल हूं आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 5.3 सीखेंगे, जिसमें हम एलटीआई सिस्टम्स के कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखेंगे। तो पिछले मॉड्यूल में हमने देखा था कि लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि एक सिस्टम को हम लीनियर तब कहते हैं जब अगर हमारे पास अगर दो इनपुट्स हों x1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी, और इसको जब हम सिस्टम में जब इनपुट करें आउटपुट हमारा अगर आता है y1 ऑफ टी और y2 ऑफ टी। तो अब हम अगर इस सिस्टम में जो हमारा x1 और x2 है उसका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन अगर इनपुट करते हैं, यानी कि हम इनपुट करते हैं a टाइम्स x1 ऑफ टी प्लस b टाइम्स x2 ऑफ टी, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए a टाइम्स y1 ऑफ टी प्लस b टाइम्स y2 ऑफ टी। तो जो सिस्टम इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उसे हम लीनियर सिस्टम कहते हैं। एक सिंपल एग्जांपल जो हमने देखा था लीनियर सिस्टम का वो था y इज इक्वल टू कैपिटल a टाइम्स x। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि ये लीनियर सिस्टम है कि नहीं है। सो दिस इज अ लीनियर सिस्टम। लेकिन उसी की जगह पे मैं अगर लेता हूँ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी, जहाँ पे कैपिटल a और कैपिटल c कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये लीनियर सिस्टम नहीं है। तो एक और चीज जो मैंने आपको बताई थी वो ये है कि लीनियर इक्वेशन और लीनियर सिस्टम में फर्क होता है। ये वाला जो हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन तो लीनियर है लेकिन ये एक लीनियर सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। फिर इसके बाद में हमने देखा था टाइम इनवेरियंस का कॉन्सेप्ट। तो टाइम इनवेरियंस का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर अगर किसी सिस्टम में अगर इनपुट है x ऑफ टी जिसकी वजह से आउटपुट आता है y ऑफ टी, तो अगर मैं इनपुट को अगर थोड़ा शिफ्ट कर दूं तो मेरा आउटपुट भी सिर्फ शिफ्ट होना चाहिए, उसमें और कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर मैं x ऑफ टी माइनस टी नॉट लेता हूं तो ये शिफ्ट होके इसका आउटपुट होना चाहिए y ऑफ टी माइनस टी नॉट। यानी कि इनपुट को अगर मैं टी नॉट टाइम से शिफ्ट करता हूं तो आउटपुट भी सिर्फ टी नॉट टाइम से शिफ्ट होना चाहिए, उसमें और कोई भी तब्दीली नहीं होनी चाहिए। तो अगर इस प्रॉपर्टी को वो सिस्टम सेटिस्फाई करता है तो उसे हम टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कहते हैं। और कोई सिस्टम अगर लीनियर भी है और टाइम इनवेरिएंट भी है तो उसे हम कहते हैं एलटीआई सिस्टम। लीनियर प्लस टाइम इनवेरिएंट। तो जैसा कि हमने कुछ एग्जांपल्स पहले देखे हैं और जैसा कि और भी हम बहुत कुछ देखेंगे आगे, एलटीआई सिस्टम का कॉन्सेप्ट कंट्रोल सिस्टम्स में, सिग्नल प्रोसेसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहली बात तो यह है कि इन सिस्टम्स को एनालाइज करना बहुत आसान है, एक कॉमन मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जिसके माध्यम से आप इन सिस्टम्स को एनालाइज कर सकते हैं। और दूसरी अच्छी बात क्या है कि ऑल्दो कई सारे रियल लाइफ सिस्टम जो होते हैं वो एलटीआई नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप उनको एज अ एलटीआई सिस्टम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, और उस अप्रोक्सीमेशन से जो रिजल्ट्स आते हैं फॉर अ गिवन इनपुट उसको यूज करके आप उस रियल सिस्टम की प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो एलटीआई सिस्टम का कॉन्सेप्ट है वो सिग्नल प्रोसेसिंग में और कंट्रोल सिस्टम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी हम कुछ सिस्टम्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं और फिर हम एनालाइज करेंगे कि वो एलटीआई है या नहीं। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं एक सिस्टम का जिसमें y ऑफ t इज इक्वल टू t टाइम्स x ऑफ t, यानी कि आपका अगर कोई इनपुट है x ऑफ t तो उसका आउटपुट होगा दैट इनपुट मल्टीप्लाइड बाय टाइम t। तो अब देखते हैं कि ये लीनियर है कि नहीं है। तो सपोज हमारा कोई इनपुट अगर है x1 ऑफ t तो ऑब्वियसली उसका आउटपुट होगा t टाइम्स x1 ऑफ t, और अगर कोई इनपुट है x2 ऑफ t
तो उसका आउटपुट होगा टी टाइम्स एक्स टू ऑफ टी। अब हम अगर इस सिस्टम में अगर ए टाइम्स एक्स वन प्लस बी टाइम्स एक्स टू इनपुट करते हैं तो ऑब्वियसली उसका आउटपुट होगा टी टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी टाइम्स एक्स टू विच इज इक्वल टू ए टाइम्स टी एक्स वन प्लस बी टाइम्स टी एक्स टू। अब टी एक्स वन जो है दैट इज इक्वल टू, अब ये जो टी एक्स वन है दिस इज इक्वल टू वाई वन एंड टी एक्स टू इज इक्वल टू वाई टू, यानी कि दिस बिकम्स ए वाई वन प्लस बी वाई टू, यानी कि ये सिस्टम लीनियर है। अब हम चेक करते हैं कि ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है कि नहीं है। तो हम अगर इनपुट देते हैं एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट तो उसका आउटपुट क्या होगा, उसका आउटपुट होगा टी टाइम्स एक्स इंटू टी माइनस टी नॉट। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एक्स ऑफ टी के आगे जो टी मल्टीप्लाई हो रहा है ये टी और ये टी जरूरी नहीं है कि सेम हो, क्योंकि एक्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, उसके आगे हम सिर्फ और सिर्फ टी से ही मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को हमने शिफ्ट किया है नहीं किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम जब देखें जो हमारा जो अभी जो नया आउटपुट है फॉर द शिफ्टेड इनपुट दिस इज नॉट इक्वल टू वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट, क्योंकि वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट विल बी इक्वल टू टी माइनस टी नॉट इंटू एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, यानी कि दिस इज नॉट टाइम इनवेरिएंट। सो दिस सिस्टम इज नॉट LTI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सिस्टम लीनियर है लेकिन टाइम इनवेरिएंट नहीं है। अब आइए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब हम लेते हैं y ऑफ t इज इक्वल टू x स्क्वायर ऑफ t। तो इस केस में क्या होता है, उसी तरीके से हमने अगर इनपुट लिया x1 ऑफ t तो हमारा आउटपुट आएगा x1 स्क्वायर ऑफ t, और इनपुट हमने अगर लिया x2 ऑफ t तो आउटपुट आएगा x2 स्क्वायर ऑफ t। अब हम अगर इनपुट लेते हैं ax1 प्लस bx2 तो हमारा आउटपुट आएगा ax1 प्लस bx2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 2ab x1 x2। लेकिन ay1 प्लस by2 इज सिंपली इक्वल टू ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी एक्स टू स्क्वायर। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन ये दोनों अलग अलग हैं, यानी कि ये सिस्टम जो है दिस इज नॉट लीनियर, या हम इसे बोल सकते हैं नॉन लीनियर। अब देखते हैं कि ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है कि नहीं है। तो टाइम इनवेरिएंस के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट को टी नॉट टाइम से शिफ्ट कर देंगे। तो हमने अगर लिया एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट तो हमारा आउटपुट होगा एक्स स्क्वायर ऑफ टी माइनस टी नॉट विच इज इक्वल टू वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट, यानी कि ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है। तो ये जो सिस्टम है ये नॉन लीनियर है पर टाइम इनवेरिएंट है। तो क्योंकि ये नॉन लीनियर है तो अगेन ये एलटीआई सिस्टम नहीं है। तो जो हमने पिछला एग्जांपल देखा था उस केस में सिस्टम हमारा लीनियर था बट नॉट टाइम इनवेरिएंट था, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम एलटीआई सिस्टम नहीं रहा। और इस सिस्टम को हम अगर देखें तो ये सिस्टम नॉन लीनियर है पर टाइम इनवेरिएंट है, पर क्योंकि ये नॉन लीनियर है तो अगेन ये सिस्टम एलटीआई नहीं है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम लेते हैं y ऑफ t इज इक्वल टू साइन ऑफ x ऑफ t, यानी कि जो x ऑफ t है आपका इनपुट उसका साइनोसॉइडल फंक्शन हम अगर लेते हैं तो वो होता है हमारा आउटपुट।
तो अगेन अगर हमें लीनियरिटी चेक करनी है तो हम दो अलग अलग इनपुट लेंगे, एक्स वन ऑफ टी जिसके लिए आउटपुट है साइन ऑफ एक्स वन ऑफ टी, और हम अगर इनपुट लेते हैं एक्स टू ऑफ टी तो हमारा आउटपुट है साइन ऑफ एक्स टू ऑफ टी। तो अभी हम अगर इनपुट लेते हैं ए टाइम्स एक्स वन प्लस बी टाइम्स एक्स टू, तो हमारा आउटपुट आएगा साइन ऑफ ए टाइम्स एक्स वन प्लस बी टाइम्स एक्स टू। लेकिन जो हमारा ए वाई वन प्लस बी वाई टू है दैट इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन ऑफ एक्स वन प्लस बी टाइम्स साइन ऑफ एक्स टू। तो हम अगेन ये देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है ये इक्वल नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज अगेन नॉन लीनियर। तो अब देखते हैं कि ये सिस्टम टाइम इनवेरियंट है कि नहीं है, तो उसके लिए अगेन हम इनपुट को टी टी नॉट टाइम से शिफ्ट कर देंगे। तो हमने अगर इनपुट को टी नॉट टाइम से शिफ्ट किया तो हमारा आउटपुट होगा अगेन साइन ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट विच इज इक्वल टू वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस सिस्टम इज टाइम इनवेरियंट। तो क्योंकि ये सिस्टम नॉन लीनियर है पर टाइम इनवेरियंट है तो फिर से ये सिस्टम नॉट एलटीआई है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किसी भी सिस्टम को एलटीआई होने के लिए उसका लीनियर और टाइम इनवेरिएंट दोनों ही होना बहुत जरूरी है। तो अभी तक हमने जितने सिस्टम्स देखे वो या तो नॉन लीनियर थे या नॉट टाइम इनवेरिएंट थे। अब एक सिस्टम देखते हैं जो कि लीनियर भी है और टाइम इनवेरिएंट भी है। अभी सपोज हम लेते हैं वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस वन। ये एक बहुत ही सिंपल सिस्टम है। यहाँ पे हम बस क्या कर रहे हैं कि जो हमारा इनपुट है उसे हम वन टाइम यूनिट से शिफ्ट कर दे रहे हैं एंड दैट इज माई आउटपुट। तो यहाँ पे हम अगर दो अलग अलग इनपुट्स लेते हैं अगेन लिनियरिटी चेक करने के लिए, तो एक्स वन ऑफ टी का जो आउटपुट होगा दैट विल बी एक्स वन ऑफ टी माइनस वन, और एक्स टू ऑफ टी का जो आउटपुट होगा दैट विल बी एक्स टू ऑफ टी माइनस वन। तो हम अब अगर इनपुट लेते हैं ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू, इसका जो आउटपुट होगा वो होगा ए टाइम्स एक्स वन ऑफ टी माइनस वन प्लस बी टाइम्स एक्स टू ऑफ टी माइनस वन विच इज इक्वल टू ए टाइम्स वाई वन प्लस बी टाइम्स वाई टू, यानी कि दिस सिस्टम इज लीनियर। अब टाइम इनवेरियंस चेक करते हैं। अब हम लेते हैं एक्स ऑफ सपोज टी माइनस टी नॉट, तो उसका आउटपुट होगा एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट माइनस वन विच इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस वन माइनस टी नॉट। यहाँ पे हमने बस माइनस वन और माइनस टी नॉट को बदल दिया है बस, और कोई चेंज नहीं किया है। सो दिस इज ऑब्वियसली इक्वल टू वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट, देयर फोर दिस सिस्टम इज ऑल्सो टाइम इनवेरियंट। तो ये जो हमारा सिस्टम है ये लीनियर भी है और टाइम इनवेरियंट भी है, तो ये सिस्टम इज अ एलटीआई सिस्टम। पर इसी की जगह पे हम इसमें अगर एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, सपोज हम अगर लेते हैं वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ वन माइनस टी, तो हम अगर ये सिस्टम लेते हैं तो ये सिस्टम को हम अगर इसी तरीके से एनालाइज करेंगे तो हम पाएंगे कि ये सिस्टम लीनियर तो है लेकिन ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट नहीं है, तो इसकी वजह से दिस सिस्टम इज नॉट एलटीआई। तो ये थे कुछ सिंपल से एग्जांपल एलटीआई सिस्टम्स के। अगले मॉड्यूल में हम एलटीआई सिस्टम्स का एक और एग्जांपल देखेंगे जिसे हम आरएलसी सर्किट्स के द्वारा इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू।